तो फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट देख चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिएगा ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से इजी है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इस मोड को आपको कंसिडर करना है कैपिटल डी। तो देखिएगा यहाँ पर हम लिख रहे हैं 5, 3 - 7 और ये 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब आपको एक चीज समझ में आएगा कि इसमें जो भी नंबर्स रहेगा, ये नंबर जैसे ये 0 है, ये क्या हो जाएगा 5 की तरफ टर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से वैल्यूज मिलेंगे। उसके बाद ये 7 अगेन ऊपर चला जाएगा। तो देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो आपको एक चीज नजर आएगी कि 5 × 0 - 3 × - 7 मिलेगा। 5 × 0 अगर 0 को मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर के साथ होता है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पर आपको 0 मिलेगा, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 × 3 = 21। सो योर आंसर इज 21। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व कर चुके हैं।